जो सबसे ज्यादा टूट के बिखरते हैं। वही मसीहा बन के निकलते हैं। पवन सरदेव, उसे मारा तो वो खून की नदियां बहाएंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। दुआ करता हूँ कि सब मजे में होंगे। फिर से आप तमाम दर्शकों के बीच हॉलीवुड की ब्लैक पैंथर 2 ट्रेलर का रिव्यू करने के लिए आप तमाम दर्शकों के बीच आया हूँ। तो बने रहिए हमारे चैनल JMLD एंटरटेनमेंट में। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अपनी सुपर हीरोज की दुनिया को धीरे धीरे और विशालकाय बना रहा है। इस साल लगातार 2 फिल्में रिलीज करने के बाद अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स 2022 की अपनी तीसरी फिल्म रिलीज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बहुप्रतीक्षित फिल्म ब्लैक पैंथर 2 की रिलीज डेट पास आते आते MCU मूवी से जुड़े हर रोज नए अपडेट्स साझा कर रहा है। ऐसा करने के पीछे उसका मकसद फिल्म को लेकर फैंस के दिलो दिमाग में ऐसा समावेश तैयार करना है जो फिल्म पर्दे पर इसे हिट तमगा दिला सके। ब्लैक पैंथर के फैंस के लिए खुशखबरी है, मार्वल ने प्रशंसकों को नए ब्लैक पैंथर से मिलवा दिया है, जिसके बाद दर्शकों की उत्सुकता और ज्यादा बढ़ गई है। सामने आए ट्रेलर की शुरुआत में वकांडा को अपने टीचाला यानी राजा अभिनेता चैडविक बोसमैन की गैर मौजूदगी में संघर्ष करते हुए दिखाया गया है। वकांडा सभी दुश्मन टीचाला के देश को नेस्त तो नाबूद करने की फिराक में है और वह वकांडा वासियों से जंग की तैयारी कर रहे हैं। नए ब्लैक पैंथर के साथ ही ट्रेलर में नए विलेन की भी धमाकेदार एंट्री दिखाई गई है, जिसका खतरा पूरे वकांडा पर मंडरा रहा है। ऐसे में अपने देश को बचाने के लिए एक और ब्लैक पैंथर तैयार किया जाता है। ट्रेलर में सीन्स के पीछे एक आवाज चल रही है जिसमें हमें सुनने मिलता है कि जो सबसे ज्यादा टूटकर बिखरते हैं वही मसीहा बनकर निखरते हैं। कोई वकांडा को तबाह करने आ रहा है यह सोचकर कि वकांडा वासियों का रखवाला नहीं रहा, पर हम उन्हें दिखा देंगे कि हम कौन है। इसके बाद स्क्रीन पर नया ब्लैक पैंथर एंट्री मारता है। सामने आए ट्रेलर में मजबूत कहानी और दृश्यों के साथ साथ भरपूर एक्शन भी देखने को मिल रहा है। जहां फिल्म में विलन का किरदार अभिनेता नामोर निभा रहे हैं, वहीं दिखाई गई एंट्री के बाद कयास लग रहे हैं कि ब्लैक पैंथर की बहन सूरी यानी अभिनेत्री लेटिसिया राइट ब्लैक पैंथर के किरदार में नजर आएगी। नए विलन नए हीरो के साथ ही इस ट्रेलर के जरिए दिव्यांगत अभिनेता चैडविक बोसमैन श्रद्धांजलि भी दी गई है। जब जब स्क्रीन पर उनका चेहरा आता है तब तब फिल्म में कमी खलती है। उनको फिल्म में इस तरह देख सभी की आंखें नम हो जाएगी। ट्रेलर में वकांडा की राजनीति और रणनीति की झलक भी है। आपको बता दे, रियान कुगलर निर्देशित ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर 11 नवंबर 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज किया जाएगा। तो आप लोग जाइए सिनेमा घरों में और देखिए ब्लैक पैंथर 2 और आनंद उठाइए। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।